तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीसी 16 और 21 दोनों में काम आने वाला एमएसओ एएनडी वॉल्यूम 1 का चैप्टर 9 और अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 का 240 से 297 यानी कि फॉरेस्ट अकाउंट। हम लोगों ने कल इसकी पहली वीडियो बना रखी है, आज हम लोग दूसरे में आएंगे। यह है सेकेंड वीडियो। आप लोगों ने मेरे सबसे ज्यादा कमेंट इसी वीडियो पर दिए हैं। एक तो विदेशी ने भी दिया है स्पेनिश लैंग्वेज में, पता नहीं किस लैंग्वेज में दिया है, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन थैंक टू हिम ऑल्सो। उन्होंने मेरे हिंदी लैंग्वेज के लेक्चर में क्या समझा, बहुत सारा कमेंट लिख दिया उन्होंने। खैर कोई बात नहीं, तो कल तक हम लोगों ने यानी फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 255 पढ़ा था। आज हम लोग चैप्टर 6 अकाउंट टू बी केप्ट इन फॉरेस्ट ऑफिसेस ए कैश बुक 1 जनरल 256 पढ़ेंगे। तो कोई भी आदमी 256 पढ़ना शुरू कीजिए। एवरी ऑफिसर बिल्कुल हु इज पढ़े सर पढ़िए। एवरी ऑफिसर हु इज ऑथराइज टू रिसीव और डिसबर्स गवर्नमेंट मनी शुड कीप एन अकाउंट इन कैश बुक इन फॉर्म FA-1 इन विच ही शुड एंटर नॉट ओनली ऑल मनी ट्रांजेक्शन एज दे अकर बट ऑल्सो बुक ट्रांसफर्स परमिशेबल अंडर आर्टिकल 260। बहुत सिंपल। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन जो कैश बुक लिखते हैं, समझे कि नहीं, उसमें आप दो चीज करते हैं। नंबर एक ट्रांजेक्शन, और भी ट्रांजेक्शन में दोनों रिसीट एंड पेमेंट, समझे। इसको आप कैश ट्रांजेक्शन कह सकते हैं, समझे, रिसीट एंड पेमेंट। और दूसरा बीटी यानी बुक ट्रांसफर। और बुक ट्रांसफर के बारे में डिटेल में बताया गया 260 में, तो सबसे पहले हम लोग 260 पढ़ेंगे। सिमिलरली ऑल बुक ट्रांसफर पढ़िए। सिमिलरली ऑल बुक ट्रांसफर्स दैट इज ट्रांजेक्शन इन विच नो एक्चुअल पेमेंट और रिसिट ऑफ कैश इज इन्वॉल्व शुड बी एंटर्ड साइमल्टेनियसली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कैश बुक द क्रेडिट और डेबिट टू बुक ट्रांसफर्स अपेयरिंग ऑन वन साइड एंड एन इक्विवेलेंट डेबिट टू एन एक्सपेंडिचर हेड और क्रेडिट टू ए रिवेन्यू हेड ऑन द अदर साइड। बस इसका मतलब है कि कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि बुक ट्रांसफर जो होते हैं उनको दोनों ही साइड में लिया जाता है कैश बुक के, ठीक है। ये 260 में लिखा हुआ है, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि इसके नीचे बीच में क्या लिखा हुआ, इन बिटवीन क्या लिखा है। आप लोगों को पढ़ के टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। लिखा है 258, अच्छा 257। कैश बुक कैसे लिखा जाता है यार जानते हैं, इसमें ऐसी कोई आफत वाली बात नहीं है। रिसीट एक साइड होगा, पेमेंट दूसरे साइड होगा, ठीक है। पार्टिकुलर्स होंगे, पार्टिकुलर्स में आपको क्लासिफिकेशन लिखना है, मेजर हेड माइनर हेड वाला, है ना। और 258 में लिखा हुआ है सेल्फ चेक अगर आप ड्रॉन करते हैं तो सेल्फ चेक जब आप ड्रॉन करते हैं ना सेल्फ चेक, ठीक है, तो ये आपका पेमेंट साइड में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। सेल्फ चेक रिसीट साइड में आता है, ठीक है। ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये पार्टिकुलर है, ये भी पार्टिकुलर है, ठीक है। सेल्फ चेक मान लीजिए आपने 1000 पर डाउन किया, ठीक है, तो रिसीट मैंने मैंने लिख दिया। पेमेंट में क्यों नहीं लिखा, मैंने बताता हूँ आपको। देखिए अगर आप किसी को पेमेंट करेंगे तो मेजर हेड में जाएगा, पेमेंट नहीं करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस में आएगा। इसी वजह से अगर आप सेल्फ चेक विड्रॉ कर रहे हैं तो ये पेमेंट साइड में है ही, ऑलरेडी है। पेमेंट कर दिया तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में कम हो जाएगा, और अगर पेमेंट नहीं किया तो क्लोजिंग बैलेंस बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पे समझिए, सेल्फ चेक विड्रॉ किया है, ठीक है, और इसमें अगर आपके पास में रिसीट है मान लीजिए 4000 रुपए, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए, टोटल हो गए 5000, राइट। यहाँ पर सी भी हो गया 5000, कोई पेमेंट किया ही नहीं है, ठीक है, और यहाँ भी 5000। अब कोई पेमेंट नहीं किया है तो सेल्फ चेक 1000 यहाँ है ना जी सी भी में, मान लीजिए पेमेंट कर दिया है, ठीक है, पेड टू XYZ 1000 पेमेंट कर दिया, तो आपका सीबी घट गया कि नहीं घट गया, 4000 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप सेल्फ चेक विड्रॉ करते हैं तो वो पेमेंट साइड में दिख ही रहा है। यहाँ पेड कर दीजिएगा तो यहाँ दिखेगा, नहीं लिख के पेड कीजिएगा तो सीबी में दिखेगा। इसी वजह से आपको इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है, 258 में, ठीक है। 259 में लिखा हुआ है चेक फॉर पेमेंट,
हाँ, जब आप चेक फॉर पेमेंट करते हैं तो भी आप रिसीव साइड में लेंगे, क्योंकि तब यहाँ पर कैश बुक में कमी आ जाएगी। तो 259 क्या कह रहा है, 259 कर रहा है चेक फॉर पेमेंट, समझे कि नहीं। चेक फॉर पेमेंट लेंगे तो बोथ साइड में आएगा, बोथ साइड, वही तो लिख रहा है। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है कैश बुक का, इसमें आपको अलग से पढ़ने का समझने का कोई जरूरत है ही नहीं, समझ गए। मेन इंपॉर्टेंट 261 जो कि आपके CPWA कोड में नहीं है, CPW 61 क्या कहता है, एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कोई भी पेमेंट जैसे कि सैलरी हो गई, कुछ और हो गया, उसको भी कैशबुक में लेना पड़ेगा, जबकि CPWA में ऐसा नहीं करना पड़ता है। तो आप एक बार 261 पढ़ के देखिए और देखिए कि क्या लिखता है, पढ़िए 261। Paid allowances of forest officers and their establishment which are paid by checks or out of cash obtained from treasury should be entered in cash book under the head establishment without further details, the address being supported by bills edge vouchers. हाँ ठीक है, तो क्या आपने ऐसा CPWA में देखा है कि आपने establishment वाला entry करते हैं cash book में, बोलिए देखा या नहीं? नहीं देखा होगा आपने, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट वाला जो होता है बिल और वाउचर, समझे, इसमें उसकी एंट्री करते हैं कैशबुक में, ये केवल फॉरेस्ट में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कैंसल्ड, लॉस्ट एंड लेफ्ट चेक, कुछ इसमें ऐसा नहीं लिखा है जो आप इसको नहीं जानते हैं। एज इट इज CPWA कैंसल चेक, कैसे कैंसिल किया जाएगा, आपको याद होगा हम लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा है कि कहते हम कैंसिल करते हैं, तो भैया अगर 3 महीने से पहले वो लेके आएगा, ठीक है, हम तो कैंसिल कर देंगे, है ना। जब हम कैंसिल करते हैं तब हम उसकी माइनस एंट्री कर देते हैं, जहां पे हमने दिया था उसको उसके माइनस एंट्री कर देते हैं। उसमें भी 2 केस बनते हैं, बिफोर क्लोज ऑफ अकाउंट, मंथ अकाउंट, समझे, और आफ्टर क्लोज ऑफ मंथ अकाउंट। उसी तरीके से बिफोर क्लोज ऑफ एनुअल अकाउंट, आफ्टर क्लोज ऑफ एनुअल अकाउंट। तो इसमें सिंपल सी बात है कि अगर महीने का अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है और चेक हमें कैंसिल करना पड़े, कब कैंसिल करना पड़ता है, हमने लिख दिया था चेक में XYZ को पेमेंट, जबकि एक्चुअल नाम था XYA। अब उसने देखा कि मेरे नाम में गलती है, आप पहले क्या करते थे, उसके नाम में करेक्शन करते थे, अब ये अलाउड नहीं है, RBI ने रोक दिया है, अब आपको पूरे का पूरा चेक कैंसिल करके उसके जगह पर नया चेक लिखना पड़ता है। इस तरीके से कैंसिल करते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। आपने कैंसिल किया तो मान लीजिए कि आपने 4 तारीख के डेट में इसको पेमेंट किया था, 4/5/22 को, ठीक है, पेड, ठीक है, टू XYZ इतना 1000 रुपया, ठीक है, वाइड चेक नंबर 0001, ठीक है। अब क्या हुआ, XYZ ने कहा कि मेरा नाम तो XYZ है ही नहीं, मेरा नाम है ABC, ठीक है। अब हमने क्या किया, कैंसिल किया, ठीक है, तो कैंसल्ड, अगर महीने का अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, समझ रहे हैं, तो हम लोग यही पे एंट्री कर देंगे कि कैंसिल कर दिया है, या हम लोग बाद में एंट्री करेंगे कि हम मान लीजिए हमें पता चला है 10 तारीख को, 10/5/22, तो यहाँ रेड, देखिए जहां ओरिजिनल एंट्री है वहां रेड इंक से एंट्री करना ही पड़ेगा, लेकिन अमाउंट वाले कॉलम में वहां नहीं दिखाते, अमाउंट वाले कॉलम में हम नीचे दिखाते हैं और उसकी जगह पे नया चेक इशू करते हैं, तो नया चेक जो है ना, नया चेक का फिगर नहीं दिखाते, मतलब कि कैंसल चेक यहाँ लिख दिया, समझे, और इसकी माइनस एंट्री कर दे और न्यू चेक की हम एंट्री प्लस में कर दे, ऐसा भी कर देंगे, या ऐसा करेंगे कि हम इसकी एंट्री यहाँ पर दिखाएंगे नहीं क्योंकि प्लस माइनस नील है, लेकिन अपन कर देते हैं इसका माइनस एंट्री करेंगे कैंसिल चेक का, इसका जो न्यू चेक है उसका प्लस एंट्री करेंगे, ऐसा मंथली अकाउंट के क्लोज होने से पहले करते हैं। अगर क्लोज हो जाए मंथली अकाउंट के तो भी बाद में अगले महीने में भी ऐसा कर सकते हैं, ईयरली अकाउंट अगर हो जाए क्लोज तो ऐसा आपको करना अलाउड नहीं है, ठीक है, वही यहाँ लिखता है। और इसमें एक ही टर्म है जो अलग है, वो क्या है, वो ये है, ए इफ द कैंसल्ड चेक इज रिप्लेस्ड इमीडिएटली बाय अ फ्रेश चेक, इमीडिएटली मतलब तुरंत, द फ्रेश चेक शुड बी शोन एज अ फॉरेस्ट रेमिटेंस। एक वर्ड जो यहाँ यूज किया गया है वो क्या, कि जब आप फ्रेश चेक का पर्टिकुलर लिखेंगे ना, इसको लिखा जाएगा एज अ फॉरेस्ट रेमिटेंस, ये टर्म है, समझे, ये टर्म आपको CPWA में नहीं लिखा हुआ है कि आप न्यू चेक जो है उसको फॉरेस्ट रेमिटेंस के तौर पे इंडिकेट करेंगे,
अदरवाइज सब कुछ पुराना है। 263 लिखा हुआ अगर चेक गुम हो जाए, चेक अगर गुम हो जाए तो याद कीजिए सीपीडब्ल्यूए में हम लोग क्या करते थे, उसमें बहुत सा केस था, अक्रेडिटेड बैंक से आप उसमें लेते थे नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि फॉरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, उसका ट्रांजेक्शन सारा स्टेट के ट्रेजरी से होता है, या फिर ट्रेजरी देगा एनपीसी, सेम टू सेम। और 264 में लेफ्ट टाइम एक्सपायर्ड चेक, तो टाइम एक्सपायर्ड चेक का तो आपको पता ही है कि 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू होता है, ये तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बारे में भी कैसे करेंगे, अगर लेफ्ट टाइम एक्सपायर्ड चेक है तो इसका सिंपल है कि भाई जो टाइम एक्सपायर्ड चेक है उसकी जगह पे नया चेक बनाएंगे, पुराने वाले चेक को वाउचर की तरह ट्रीट करेंगे, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या इसमें अब और किसी को कुछ पूछना है, ऐसा कुछ जो एकदम अनोखा लग रहा हो, हाँ या ना, एक बार कुछ बोल दीजिए फिर हम आगे बढ़े, वरना नहीं बढ़ेंगे। बोलिए। नहीं सर, बोलिए, है ना, पे नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जैसे वहाँ पे जो चेक का है ना नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट एक्सचेंज अकाउंट अफसर से लेते हैं, किसी भी नहीं 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 बैंक एक्रेडिटेड बैंक से पे एन अकाउंट में तो लिखा है किसी जो बैंक से हमको मिलता है वो पे एन अकाउंट को देते हैं, यहाँ भी जो हमको ट्रेजरी से सर्टिफिकेट मिलेगा वो हम एजी को भेजेंगे, ऐसा समझिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई पेमेंट नहीं हुआ है एजी कैसे नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दे सकता है, दे सकते हैं बताइए तो सर। वो डेली स्क्रॉल तो रेंडर हो रहा है, डेली रिसीप्ट एंड पेमेंट डेली स्क्रॉल तो बैंक के मामले में ना, ट्रेजरी के मामले में है नहीं, ट्रेजरी तो महीने में एक बार देगा। हाँ समझ गए, क्या महीने में एक बार देगा या जब आपकी डिमांड होगी तब देगा। चलिए 265 क्लोजिंग हमने कल डिस्कस किया हुआ है, हम लोग इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें सिंपल इतना ही कहा गया है कि जो डिवीजन का अकाउंट होगा वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ होगा, और जो बाकी सब डिवीजन का अकाउंट होगा वो 27 होगा, लास्ट वर्किंग डे नहीं 27, या ऐसा कोई दूसरा डेट जो कि तय किया जाए, समझे। इसमें कुछ ऐसा निश्चित नहीं है, ये 266 है, सॉरी 266 है ना। 265 में वो जो कैश बुक होगा उसको मंथली क्लोज किया जाएगा और उसमें डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अपना एक सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। आगे आगे 267 से लेकर के 268 269 270 271 268 269 270 और 271 एक खास चीज है, जो खास पैटर्न है वो ये, इसमें जिसका जिसका फॉर्म दिया गया है उसका तो फॉर्म नंबर दे दिया गया है, जिसका फॉर्म नहीं दिया गया है उसके बारे में केवल एक लाइन कह दिया गया है कि गवर्नर डिसाइड करेंगे एजी की सलाह पर, और कुछ नहीं लिखा गया है। उदाहरण के तौर पे 267 रजिस्टर ऑफ चेक डॉन FA2 फॉर्म दिया हुआ है, समझे, चेक ड्रॉन रजिस्टर, ठीक है। 268 मस्टर रोल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, खाली एक लाइन, ठीक है, इसका जो फॉर्म है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ एजी, कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट एजी की सलाह पर। तो हम एजी की सलाह पर आगे नहीं लिखेंगे, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं एजी, आप समझ जाइए कि एजी की सलाह पर, समझे। 269 मेजरमेंट बुक गवर्नमेंट एजी की सलाह पर, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। 217 रजिस्टर ऑफ वर्क FA3 और कुछ नहीं लिखा है, मतलब आप इसको पढ़ करके माथा खराब मत कीजिएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी कल फॉर्म्स में सारा देख लिया है। 271 स्टोर्स अकाउंट और कुछ नहीं लिखा है गवर्नमेंट एजी की सलाह पर। स्टोर्स अकाउंट में लिखा हुआ है स्टोर्स अकाउंट मतलब क्या, फॉरेस्ट स्टोर्स अकाउंट मैंने क्या, बिल्डिंग मटेरियल स्मॉल स्टोर्स हाउस फिटिंग एक्सेट्रा, समझे, और कुछ लिखा है इसमें, कुछ नहीं, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं 272 पे, दैट इज कॉन्ट्रैक्टर एंड डिस्बर्सर्स लेजर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना शुरू कीजिए 272। अ लेजर शुड बी मेंटेन्ड बाय द डिविजनल ऑफिसर इन फॉर्म FA4 फॉर ऑल अकाउंट्स विद इन विद डिस्बर्सर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन द डेटर साइड
should be entered or payment made to them, and on the creditor side, the amount of bill passed to their credit and all sums paid by them in cash. हो गया छोड़ दीजिए, सब मत पढ़िए। सिंपल है, क्या एक लेजर है ना। लेजर के बारे में हमने कल बताया था, एक एग्जांपल भी दिया था उनको। यहाँ पे बढ़िया से एग्जांपल दिया 273 में। 273 में क्या एग्जांपल दिया भैया, लिखता पहला लाइन, ओनली वन अकाउंट शुड बी ओपन विद ईच डिस्बर्सर, मतलब एक डिस्बर्सर एक लेजर, समझे ये। और दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है इसमें, जो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है 274 में लिखा हुआ है। 274 में कौन सा टेक्निकल टर्म यूज किया गया है, टेक्निकल टर्म यूज किया गया है द लेजर अकाउंट शुड दस बी अ रनिंग अकाउंट। ये क्या है, एक रनिंग अकाउंट है। रनिंग अकाउंट का मतलब रनिंग बिल मत समझ लीजिएगा, समझे, दोनों में अंतर है। किसी को रनिंग अकाउंट में कुछ कंफ्यूजन था तो पूछिए भैया, पहले पूछिए पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे। रनिंग अकाउंट में क्या कंफ्यूजन है जो कि 274 में लिखा हुआ है, पूछिए पूछिए। अरे भैया पूछिए, क्या हुई रनिंग अकाउंट होगा ना, इस लेबर को पेमेंट किए, कोई खर्च किए, वो रनिंग अकाउंट होगा हमारा। ना 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 ना, हम आपको एग्जांपल कर दिए थे, फिर देखते हैं रनिंग अकाउंट माने क्या। रनिंग अकाउंट का मतलब इसका मंथली क्लोजिंग से बिल्कुल नहीं है। लेजर कभी भी मंथली क्लोज नहीं किया जाता है। हमने आपको एग्जांपल दिया था ना, आप भी समझे, वो बिल्डिंग बनाई है, समझे कि नहीं। तो ये हुआ हिमांशु लेजर, हिमांशु पांडे लेजर। हाँ, हम आपको बताए थे समझे, कि हमने उसे रॉड खरीदा, समझे, तो रॉड खरीदा तो ये था हमारा डेबिट, ये हुआ हमारा क्रेडिट, ठीक है। तो उसने हमने क्या किया भैया, उसने हमें सप्लाई किया है ना, सप्लाई किया हमें, क्या दिया उसने, रॉड दिया, एक बार दिया उसने 152,000 का, आज ही तो समझे। और हमने पेमेंट कितना किया है, पेड भाई ट्रांजेक्शन आईडी नंबर जो भी होगा, समझे, हमने 150 पेमेंट किया है, समझे। तो वो 2,000 रुपये यहाँ पे हमेशा रहेगा, दोनों बराबर होना चाहिए ना, ऑलवेज, समझे। तो ये क्या होगा, सीबी, ठीक है, 2,000 रुपये, तब होगा 152, और चलता रहेगा। फिर यहाँ पे हमको रोड देगा, रोड देगा, रोड देगा, रोड देगा, समझे। तो यहाँ पे सीबी 2,000 हो गया, और फिर हमको देगा मान लीजिए वो 156,000 का, समझे, और हम फिर पेमेंट करेंगे 1.5 लाख, समझ गए कि नहीं समझे। तभी कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये हो जाएगा यहाँ पे, समझ गए। मतलब वो क्लोजिंग बैलेंस बचा रहेगा, फिर जब 8,000 का ये 10,000 होगा, 12,000 होगा, हम फिर 10,000 पेमेंट, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसी तरीके से लेजर बनता एडवांस का, समझे, उसमें उल्टा हो जाता है। हमको उसने एडवांस दिया है ना, तो उसने रॉड सप्लाई किया, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एन एडवांस, तो हम उसको एडवांस देंगे, एडवांस देंगे तो डेबिट में दिखलाएंगे, समझे। ऐसे ही चलता रहता, समझे। लेजर इज रनिंग अकाउंट, तो आपको ये कहां लिखा हुआ, 274 में। हाँ, जो कल मैंने आप लोगों को बता दिया था, वो क्या बतलाया था, वो ये बतलाया था कि जब आप कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं एडवांस और लेजर में एंट्री करते हैं, उसको कहते हैं वर्क एडवांस, और जब आप डिस्बर्सर को देते हैं उसको कहते हैं फॉरेस्ट एडवांस, और तो उसमें कुछ अनोखी बात नहीं है, ठीक है, अदरवाइज सारी बात वही कही गई है। आगे आ जाते हैं 275। The account of each contractor and disbursor should be balanced on the last day of each month. इसका सिंपल मतलब है कि बैलेंस किया जाता है, क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाता है, समझे। 275 कह रहा है कि सीबी निकाला जाता है, समझे, क्लोजिंग बैलेंस लास्ट डे ऑफ मंथ। अब जहां भी लास्ट डे ऑफ मंथ है, लास्ट वर्किंग डे अपने आप समझ लीजिएगा, समझे, ऑफ मंथ, ये बैलेंस निकाल लिया जाता है, समझे। और फिर वो कंटिन्यू रहता है, क्लोज होता ही नहीं है। क्लोज तभी होगा जब वो अपना इंटरेस्ट कंप्लीटली सरेंडर कर देगा और उसका कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा। चैट में दो लोगों के आए हुए हैं, मनोज कुमार अवस्थी, एल के सिंह, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाए, 275 तक तो सबको क्लियर हो गया। 276 ये इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, द पेजेस इन द लेजर शुड बी नंबर्ड कंसेक्यूटिवली एंड देयर शुड बी एन इंडेक्स टू द अकाउंट इट्स कंटेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि लेजर बहुत बड़ा होता है और सचमुच में बहुत बड़ा होता है, समझे, तो उसमें कोई इंडेक्स रहता है शुरुआत में, बुक की तरह, समझे, बुक की तरह इंडेक्स रहता है, और उसमें पेज नंबर 1, समझे,
ये किसका लेजर हुआ भाई? तो ये लेजर हुआ मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर एबीसी का, समझे? तो पेज नंबर वन जब आप लेजर पलटिएगा तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर एबीसी का मिलेगा, समझे? और मजेदार बात यह कि अगला जो चालू होगा मैंने कॉन्ट्रैक्टर डीईएफ, समझे? तो वो पेज नंबर टू या थ्री से चालू नहीं होगा, वो दो तीन पन्ना छोड़ दिया जाता है सो देट वो आगे बढ़ता चला जाए, समझे? तो अमूमन क्या होता है, पेज नंबर एक से चालू हुआ है और पेज नंबर पांच से चालू होगा कॉन्ट्रैक्टर डीईएफ, इस तरीके से, समझे? तो ये एक इंडेक्स शुरुआत में बनता है और फिर जब आप पेज नंबर पांच में पलटिएगा बुक की तरह होगा तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर डीईएफ के बारे में डिटेल मिलता जाएगा और उस तरीके से वो कंटिन्यू होगा। मैंने हमेशा दो कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो लेजर मेंटेन होता है कुछ पन्नों का गैप रखा जाता है ताकि वो लंबे समय तक कम से कम एक साल चल सके। अमूमन एक लेजर एक साल चलता है, ठीक है? अगले साल इसको इसका क्लोजिंग बैलेंस को फॉरवर्ड कर देते हैं और नया लेजर ओपन कर लेते हैं, ठीक है? इस तरीके से वो काम होता है। लेकिन जब आप मंथली इसको निकालते हैं क्लोजिंग बैलेंस, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि नया बुक ओपन करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? अपना चार चार छह छह महीने से वहां पे चल रहा है, एक ही पन्ने में सब दिखा रहे हैं हमें, क्लियर है? ठीक है। ईच न्यू अकाउंट ओपन शुड बी असाइंड अ नंबर और उसका इंडेक्स में जिक्र किया जाएगा, और तो कुछ है नहीं। चलिए 277 के बारे में बात करते हैं, क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट ऑफ द ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। 277 इसके बारे में आप जान लीजिए, बहुत आसान नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए, और ये जो ऐसा पारा है ना, आर्टिकल है जिसमें कंफ्यूजन है लोगों को। कंफ्यूजन क्या है मैं बताता हूं आपको। इस कंफ्यूजन को समझने के लिए प्रॉपर रिलेट करना पड़ेगा 288 से, ठीक है? एक बार 288 पढ़िए फिर हम इसके पास में आएंगे। 288 पढ़िए जरा एक बार, पढ़िए। A copy of the monthly register of checks drawn, Article 267, should be submitted to the Accountant General on the last day of each month, and the other accounts mentioned below should be submitted on or before the fifth of the month following that to which they relate. बदल देगी। इसका मतलब क्या है कि आपका जो FA2 है लास्ट वर्किंग डे सबमिट करते हैं, जो बाकी अकाउंट है फिफ्थ ऑफ द फॉलोइंग मंथ, है ना जी? फिफ्थ ऑफ द मंथ फॉलोइंग, ऐसा वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, समझे? क्या मार्च अकाउंट में रिलैक्सेशन है? ना, नो रिलैक्सेशन, समझे? इन मार्च अकाउंट ऑल्सो, मैंने मार्च अकाउंट में रिलैक्सेशन किस बात का नहीं है कि फिफ्थ ऑफ द फॉलोइंग मंथ में रेंडर करने का नहीं, लास्ट डे ऑफ द मंथ में क्लोज करने का, समझे? और ये डेट पता है ना, ये एक ही अपने रिजोल्यूशन पे बदल सकते हैं। अब हम आते 277 पे, और देखिए 277 क्या कहता है, समझे? कहता है दीज अकाउंट शुड बी क्लोज ऑन 20th मे ऑन और सच डेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अकाउंटेंट जनरल। इसका मतलब क्या है कि आवेगा 5 को, तो मार्च का अकाउंट कब आवेगा? मार्च अकाउंट यानी कि जो 12वां अकाउंट है वो आएगा 5 अप्रैल तक, समझे? 5 अप्रैल तक आएगा। और एजी में जो प्रोसेस होता है, समझे कि नहीं, एजी में क्लोज होता है, समझे कि नहीं, वो होता है 20 मई तक। मैंने हमें प्रोसेसिंग करने के लिए इस अकाउंट को टाइम चाहिए, और वो टाइम कितना है हमारे पास में, पूरा का पूरा अप्रैल और 20 मई, देख रहे हैं आप? हेलो, 277 में ये लिखा हुआ है, ठीक है? हेलो, कुछ है ना, कुछ तो कही है? जी सर, हाँ सर, सुन रहा। इसको काउंटर करने के लिए 294 पढ़िए सर, 294। In addition to the ordinary accounts for March, a supplementary account for that month in the form of cash account form FA1 with the necessary accompaniments comprising the transactions included in the supplementary account book, Article 277 should be submitted to the Accountant General so as to reach him by the 1st June or such other date as may be prescribed by him. समझ में आ गया?
रुकिए, ये जो है ना थोड़ा सा करेक्शन इसमें है, ये जो सप्लीमेंट्री अकाउंट है 277 का रेफरेंस दिया हुआ है, ये 20 मई तक क्लोज होता है, एजी में नहीं, ठीक है। ये लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री अकाउंट डिवीजन में क्लोज होगा, समझे कि नहीं, 20 मई तक, जो कि इसमें लिखा हुआ है। और 294 लिखता है कि 20 मई तक सप्लीमेंट्री अकाउंट क्लोज होने के बाद में फिर 10 दिन मिलता है आपको, यानी कि एजी में, ठीक है, सप्लीमेंट्री अकाउंट 1 जून तक आना चाहिए। अब सही हुआ, क्लियर है कि नहीं? तो मार्च का अकाउंट का दो डेट है, हाँ रुकिए रुकिए, मार्च का अकाउंट का दो डेट है, ठीक है। मार्च का अकाउंट होगा, अब इसको फिर से मिटाते हैं, फिर से लिखते हैं, ठीक है। चलिए, मार्च अकाउंट क्लोज होगा 31 मार्च, क्योंकि अमूमन ऑफिस खुला ही रहता है चाहे छुट्टी क्यों ना हो जाए, समझे। और सबमिट टू एजी 5 अप्रैल, समझे। सप्लीमेंट्री अकाउंट जो मार्च के बाद बनता है क्लोज होगा 20 मई, समझे। और सबमिट टू एजी 1 जून, क्लियर है? बोलिए, हाँ है ना, क्लियर सर, है ना। चलिए, इसमें आप सोच रहे हैं कि सप्लीमेंट्री अकाउंट के लिए आपको अलग से इतना दिन क्यों दिया गया, सोच रहे होंगे जो लोगों ने इंटर गवर्नमेंट रिलेशन पढ़ा है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, इसे समझा दिए, सभी बोला दोबारा बोले, बोलिए बोलिए बोलिए, फिर से समझा दीजिए। हाँ समझा रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसको समझने के लिए बेस्ट है पहले पढ़े 285, पढ़िए 285 पढ़िए। A schedule should be prepared in form FS7 separately for receipt and payment, in which all item of receipt and payment originating in the division on behalf of other government should be detailed by each government. A separate schedule should be prepared in respect of transaction originating in the division on behalf of railway, in which the transaction should be grouped by each railway. 285 कहता है कि एक फॉर्म होता है FA7, और FA7 आपको मेंटेन करना पड़ता है बिकॉज ऑफ अदर गवर्नमेंट के साथ में आपका सेटलमेंट है, बिकॉज ऑफ रेलवे के साथ आपका सेटलमेंट है कि नहीं। और इसका नाम है शेड्यूल ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर गवर्नमेंट ऑफ रेलवे, ये है शेड्यूल ऑफ RNP रिसीट एंड पेमेंट, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ, है ना, इसको हम लोग कहते हैं OBO, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ OBO अदर गवर्नमेंट और रेलवे, है ना। एक ये शेड्यूल ऑफ रिसीट एंड पेमेंट है, FA7 में मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन मेंटेन तो आप कर लेते हैं, इसका ऑपरेशन कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए बेस्ट समझना होगा 293। तो इसको 293 से हम लोग रिलेट करेंगे। 293 पढ़िए। As regards the account of for March, the schedule of transaction with other government and railway should invariably be dispatched so as to reach the account general not later than 7th of April of the succeeding year, and all correction entries affecting those schedules should be intimated to account general so as to reach by him by the 12th April at the latest. Yes. यहाँ पे आपने क्या देखा कि इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट वाला, जिसमें कि रेलवे शामिल है, समझे, जो भी आपका एंट्री है ट्रांजैक्शन का, समझे कि नहीं, सेटलमेंट में, समझे, RNP रिसीट एंड पेमेंट के ट्रांजैक्शन का,
जो भी एंट्री है समझे कि नहीं, सेटलमेंट के पर्पज से एजी को मार्च का मतलब साल के अंत का 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हुआ है ना, तो इसका 7 अप्रैल तक किसको, एजी को, समझे एजी को कब भेजना चाहिए, 7 अप्रैल तक है ना। और अगर कोई करेक्टिंग एंट्री है समझे, करेक्टिंग एंट्री, हाँ ये तो हुआ ए और ये हुआ बी, करेक्टिंग एंट्री, करेक्टिंग एंट्री माने ट्रांसफर एंट्री समझ लीजिए, ई पेनी समझे कि नहीं, आप उसको भेजेंगे एजी को 12 तक। अब मेरे पीसी 21 वाले अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल वाले आरबीआई एडवाइस प्रोसीजर को याद कीजिए, याद है आप लोगों को, मैं याद दिलाता हूं सुनिए, एक डेट याद है 5, 15, 25 अप्रैल याद आ रहा है, आ गया सर आ गया, आया ना। तो होता क्या है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, देखिए होता क्या है कि ये आरबीआई एडवाइस प्रोसीजर के लिए एजी को ये सारा जो 12 तक मिलता है उसको ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी करके पहला तो 5 तक जो भी आ गया वो आ गया समझे, उसके 15 तक जो आप यहाँ 12 को एजी को भेजिएगा वो 15 तक एजी को भेज देना होता है समझे, और लेट में लेट कुछ होता है तो उसको 25 तक भेज ही देना होता है, और 25 तक भेज करके एजी को आरबीआई को सर्टिफिकेट देना होता है कि हमारे पास में और कोई आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन पेंडिंग नहीं है, समझ गए। तो आप 12 को भेजिएगा, ये 25 अप्रैल तक आरबीआई को एजी भेजेगी समझे, एजी आरबीआई को एजी विद सर्टिफिकेट, विद नो आउटस्टैंडिंग सर्टिफिकेट समझे कि नहीं, 25 तक भेजती है समझे। अब क्या होता है, आरबीआई के पास 25 अप्रैल तक पहुंचा है, उसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना, वो प्रोसेस करके एडजस्ट करके वापस आपको भेजता है समझे, वो जो वापस आपको भेजता है वो विद इन 15 डेज भेजता है, तो 25 और 15 कब हुआ बोलिए, 25 और 15 हुआ 10 मई तक है ना। और फिर आप वापस किसको भेजिएगा, अपने डिवीजन को, कंसर्न डिवीजन को भेजिएगा, वो अपने बुक में एडजस्ट करेगा और फिर 20 मई तक वो अपना अकाउंट क्लोज करेगा। तो सप्लीमेंट्री अकाउंट जो होता है उसमें इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट लिया जाता है, ट्रांसफर एंट्री ली जाती है वगैरह वगैरह। अब समझ में आया सप्लीमेंट्री अकाउंट का क्या रोल है, आया ना। बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर समझा रहे क्या, नहीं सर आगे बिल्कुल आगे है ना। चलिए अब हम लोग फिर से आते हैं 277, हम लोगों ने देख रखा है 278 करेक्शन ऑफ एरर, कुछ नहीं है ट्रांसफर एंट्री है, कुछ भी नहीं है ट्रांसफर एंट्री है, समझ गए। इसमें ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा जो आप लोगों ने सीपीडब्ल्यू में नहीं पढ़ा है, सिंपल इसमें एक बात यही है जो 278 का नोट 1 में है कि 10 रुपया के नीचे का कोई भी ट्रांसफर एंट्री नहीं करना है, वो एरर है तो उसको लिखना ही नहीं है, मतलब 10 रुपए के कम के एरर को सुधारा नहीं जाता है समझे। उसके अलावा उसमें कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा जो आपने नहीं पढ़ा है। नोट 3 लिखता है नो करेक्शन एंट्री शुड बी मेड अनलेस सपोर्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, एपीडब्ल्यूए में भी था। उसके नीचे जो ये डायग्राम बनाया हुआ है ये ट्रांसफर एंट्री का डायग्राम है, डेबिट एंड क्रेडिट, समझ गए। इसके बाद नीचे में और कुछ नहीं लिखा है जो मुझे ऐसा लगे। 279 ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें पढ़ना है, वो है एच सब्सिडियरी अकाउंट्स ऑफ कॉमर्शियल अंडरटेकिंग। तो कोई आदमी 279 पढ़ना शुरू कीजिए। Subsidiary account of commercial undertaking, if the activities of any individual forest unit or of any self-contained exploitation scheme like a sawmill or a forest railway are such as to require the maintenance of subsidiary account on a commercial basis, the form of account to be kept may be settled by government after consultation with AG. देखिए फॉरेस्ट रेलवे रेलवे का नहीं होता, फॉरेस्ट का होता है, समझ गए। तो 100 मील एक है और ये भी कमर्शियल है, फॉरेस्ट रेलवे भी है, ये भी कमर्शियल है ना। इन दोनों के फॉर्म के बारे में कुछ नहीं कहा गया, क्यों नहीं कहा गया है, बाय गवर्नमेंट एडवाइस ऑफ एजी, समझ गए, क्लियर है।
चलिए यस सर 280 के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि डिवीजन में सॉरी एजी में केवल फॉरेस्ट का डिवीजन ही अकाउंट रेंडर नहीं करता है, कंजर्वेटर भी रेंडर करता है और फॉरेस्ट ऑफिसर भी रेंडर करता है, वही आपका 280 में लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, समझे। तो अकाउंट रेंडर कौन करता है, डीएफओ, डिस्ट्रिक्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, कंजर्वेटर जो डीएफओ से बड़ा होता है, हम ऊपर लिख देते हैं चलिए कंजर्वेटर, समझे, और अदर फॉरेस्ट ऑफिसर। क्लियर है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ सबऑर्डिनेट अकाउंट्स, समझे, इसमें वाले में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, इतना ही लिखा है कि डिविजनल ऑफिसर के पास में अकाउंट सारे के सारे सब डिविजनल ऑफिसर्स अपना अपना अकाउंट टाइम से भेज देंगे ताकि वो अपने अकाउंट को एजी को भेज सके। ये लिखा है बिफोर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट ऑफ अ मंथ डिविजनल ऑफिसर शुड सर्टिफाई हिमसेल्फ दैट द अकाउंट ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिसर फॉर द मंथ हैव बीन एग्जामिन्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड ट्रूली एंड एक्यूरेटली इन हिज ओन अकाउंट। बस इसमें और सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। कंपाइलेशन ऑफ मंथली अकाउंट, कैश अकाउंट FA1, कैश अकाउंट मैंने कैशबुक कैसे लिखा जाता है, डेबिट साइड में कौन सी एंट्री होगी ए में, क्रेडिट साइड में कौन सी एंट्री होगी बी में। मैंने कैशबुक 10,000 बार बता दिया है, अब इसको और बताने की जरूरत नहीं है। कैशबुक आप लोगों को जो CPWA के चैप्टर 6 में बताया गया है, अगर जो यूट्यूब के मेरे व्यूअर्स हैं जो पहली बार इसको देख रहे हैं, आई हम्बली रिक्वेस्ट कि वो चले जाएं चैप्टर 6 देख लें, CPWA का चैप्टर 6, आपको वहां सब कुछ मिल जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अलग से बताया गया है। 283, 284, 285, इसमें से जो 283 है क्लासिफाइड एस्पेक्ट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो फॉर्म FA5 में होता है, ठीक है। इसमें से एक बात जो आपको दिखाई जाएगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपको देख करके मजा आएगा, कोई भी एक आदमी 285 पढ़िए, देखिए आपको बहुत सारी चीज दिखाएगा, आपको पढ़िए पढ़िए 285, आप लोग देखे हैं लेकिन आप लोग माइंड नहीं किए क्योंकि माइंड होगा नहीं। फॉरेस्ट में एक ड्रॉन किया जाता है पेड अवे करने के लिए किसी को पेमेंट वगैरह के लिए, तो उसकी 3 एंट्री होती है, इज इट करेक्ट? ना 2 एंट्री, पेमेंट साइड में 2 एंट्री नहीं होगी, एक वन फॉर चेक ड्रॉन एंड अदर फॉर पेमेंट, एंड रिसिप्ट साइड में सिंगल एंट्री होगी कैश रिसिप्ट की? ना एक एंट्री, वहां पे फॉरेस्ट वाले कैशबुक में चेक का अलग से कॉलम नहीं है ना, तो अच्छा आपको कंफ्यूजन है क्या, हम पढ़ा देते पढ़वाते हैं। फॉरेस्ट का चेक में कलर होता है क्या इसे? आप एक काम कीजिए सीधे पारा ही पढ़िए, समझे, हम समझ गए आपको क्या कंफ्यूजन है। 259 पढ़िए जरा, 259 एक सेकंड पढ़िए पढ़िए 259 ये चेक ड्रॉन इन ऑर्डर टू बी पेड अवे शुड बी इंटर सिमल्टेनियसली ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक मनी फ्रॉम ट्रेड and again as a payment to pay concern. The number and distinguishing letter of check being specified in both entries. Again what is the one? Again as a payment. Again what is the confusion ho raha hai? Nahin? दो एंट्री होगी, सुनिए ना, पेज नंबर 176
ये सर हाँ बैठे वन चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैशबुक बनाया गया है और कैशबुक ये जो फॉरेस्ट वाला है पीडब्ल्यूडी वाले से बिल्कुल अलग है। इसमें कहीं पे भी आपका चेक नंबर नहीं लिखा हुआ है, मतलब चेक का और कैश का कॉलम अलग अलग नहीं है। दिखाई दे रहा है आप लोग को? कहीं भी नहीं है। हाँ, दो ही एंट्री होगी, जिसमें चेक वाला कॉलम अलग होता है उसकी तीन एंट्री होती है। क्लियर है? ओके सर। चलिए अब हम आगे बढ़ जाएं। 283 जी, 283 हमने दिखाया आपको। मजे की बात यह है कि केवल और केवल दो डिजिट का ही मेजर एड है, लेकिन आज जो है उसका चार डिजिट है। कौन सा चार डिजिट है जी? 406 है कि 404 है? और इसका मेजर एड 406 है ना? हाँ भैया, तो रिसीव करना है, खर्चा कीजिएगा रिवेन्यू का, तो 2406। अगर कैपिटल आउटले होगा तो 4406, लोन होगा तो 6406। ठीक है, ये आज का है, इसलिए आप इसको 65 पकड़ के मत करिएगा। मतलब 65 देख करके कहीं आप ऑप्शन 65 नहीं है तो हम टिक नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए 284 शेड्यूल ऑफ रेमिटेंसेस FS6 कल हम बता चुके हैं। 285 अभी हमने पढ़ा, तुरंत पढ़ा था थोड़ी देर पहले, FS7 रेलवे वाला मामला। ठीक है, 285 था, 286 एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसबर्सर्स लेजर हमने तुरंत पढ़ा। ठीक है, लेकिन जो हमने नहीं पढ़ा वो है 287 पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। The extract for March in each year should be accompanied by a brief statement explaining the circumstances in which each item outstanding for more than 12 months remains unregistered and the steps which have been taken with a view to its early clearance. समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप contract and disbursement ledger बना रहे हैं ना, नहीं सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसबर्सर्स लेजर, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड डिसबर्सर लेजर, जब इसका एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं जो कि फॉर्म FA8 में बनेगा, समझे, तो ये मार्च वाले में, मार्च अकाउंट के साथ में, समझे, एक स्टेटमेंट जाएगा, एक स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा, एक स्टेटमेंट में लिखा होगा रीजन, समझे, स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस, एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसेस इन विच ईच आइटम, हर एक आइटम आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 12 मंथ, ईच आइटम आउटस्टैंडिंग फॉर 12 मंथ, समझे। अच्छा, किसी को याद आ रहा है, हम लोगों ने CPWA पढ़ा था तो वहां पे भी एक इंप्रेस्ट का इसी तरीके से स्टेटमेंट मार्च के अकाउंट में जाता था, जिसमें कि 4 महीने और 6 महीने का हम लोग स्टेटमेंट बना करके देते थे। याद आ रहा है किसी को? ना ना, ये इंप्रेस्ट का नहीं था, ये LOC का था। किसका था जी? LOC का सर, LOC का, LOC का था ना जी, LOC का था, ये एडवांस का था, एडवांस था सर, ऑपरेट नहीं होता है, तो वहां पे CPWA में वो 4 और 6 महीना कर दिया गया है, फॉरेस्ट में 4 6 महीना नहीं है, 12 महीना है, इसलिए कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने इसको खास नोट करवाया है 287 में। क्लियर? ये भी एडवांस है, वर्क एडवांस और फॉरेस्ट एडवांस, जिसका एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर को दिया तो वर्क एडवांस, डिसबर्सर को दिया तो फॉरेस्ट एडवांस, लिख देते हैं वर्क एडवांस और फॉरेस्ट एडवांस। तो इसका मतलब क्या है,
कि कोई भी एडवांस हो, समझे, अगर 12 महीने से ज्यादा से पेंडिंग है किसी के ऊपर में, तो उस जमाने में 12 महीने रहा होगा, अगर आज भी इसको अपडेट कर दीजिएगा ना तो ये 4 महीने में हो जाना चाहिए, समझ गए। खैर, सबमिशन ऑफ अकाउंट्स 288 हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें की FA2 को हम लोग एंड ऑफ द मंथ सबमिट करते हैं, लेकिन इसमें आगे मैंने पढ़ने से रोक दिया था कि जो बाकी अकाउंट्स है वो महीने के 5 तारीख को सबमिट करते हैं, तो आपको इसमें से MCQ पूछा जाएगा, और मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा कि कौन सा जो अकाउंट का पार्ट है, सॉरी FA का कौन सा पार्ट है जो मंथली अकाउंट का हिस्सा नहीं है, समझे। तो मंथली अकाउंट मैंने कहा था रजिस्टर नहीं जाएगा, तो FA1 जाएगा, समझे, 2 नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा, 4 भी नहीं जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 जाएगा और 8 जाएगा। तो आप देख सकते हैं यह है रजिस्टर, समझे, ऑफ चेक्स, लेकिन ये मंथली अकाउंट में नहीं जा रहा है, लेकिन ये अलग से जा रहा है, जा रहा है अलग से जी, है ना, और ये रजिस्टर ऑफ वर्क है, ठीक है, ये नहीं जाएगा मंथली अकाउंट में। ये वाला क्या है, लेजर है, ये भी नहीं जाएगा। पांचवा क्या है तो बताएगा, क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ये क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट है, ये जाएगा। छह नंबर क्या है, रेमिटेंस टू ट्रेजरी, रेमिटेंस जाएगा, बिल्कुल फॉर्म 51 CPWA वाला, ये रेलवे वाला है, इंटर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, और ये एब्स्ट्रैक्ट है, चार का, क्योंकि आठ जा रहा है, चार नहीं जा रहा है, क्लियर है। तो मंथली अकाउंट के साथ में दो नहीं जाता है, आप सोचिएगा दो भेजते हैं, भेजते जरूर हैं, पर यहाँ MCQ ट्रिकी होगा और आपको फंसा देगा, आप लोग गलत करके आ जाइएगा। मंथली अकाउंट के साथ ये नहीं जाता है दो, ये पहले जाता है, समझ गए। इसलिए अगर कोई पूछा गया क्वेश्चन में तो उसको, अच्छा एक और बात मैं आपको बताता हूँ, प्लीज सुन लीजिए, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि हड़बड़ी में उनका MCQ पढ़ते हैं और पूरी तरह से समझ में नहीं आता है और गलत टिक मार देते हैं, मेरी उनके हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो एक बार उसका हिंदी वर्जन पढ़ लीजिएगा, समझे। तो आप कभी भी ऐसा है ना कि सिंगल लैंग्वेज डाउनलोड मत कीजिएगा, उसमें दोनों आता है, बोथ, तो आप बोथ वाले में चल जाइएगा, तो कोई क्वेश्चन अगर कभी इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार हिंदी पढ़ के देख लीजिएगा, अगर कोई हिंदी वाले हैं वो भी बोथ रखिएगा, तो कभी अगर वो हिंदी में नहीं समझ पा रहे तो इंग्लिश चले जाइएगा। मैंने ऐसे करके कई क्वेश्चंस को प्रॉपरली समझा है, अकाउंटेंट फॉर अकाउंटेंट जनरल इतना मुश्किल है, मैंने जब उसके भी वीडियोस बनाए तो मैंने वहां भी यही काम किया, कभी अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने हिंदी पढ़ा और उसने क्लियर किया, सही है गलत, जी सर बिल्कुल सही सर, सही है। ये हो गया इसका, इसका नीचे में एक लाइन लिखा हुआ है, जब आपने सारा अकाउंट देख लिया है, देयर शुड बी अकम्पेंड बाई ऑल वाउचर्स, तो ये आपको सारे सारे वाउचर्स होने चाहिए, अकम्पेंड बाई ऑल वाउचर्स होने चाहिए, VRS, समझे, वाउचर्स होने चाहिए, अदर देन दोज विच मे बी डिस्ट्रॉयड, जो कि डिस्ट्रॉय नहीं किया गया उसको भेजा जाना चाहिए, आफ्टर पेमेंट एंड बाय द कंसोलिडेटेड ट्रेजरी रिसीट CTR, CTR होना चाहिए। अब ये कहिएगा CTR क्या है और CTI क्या है, इसको मैंने CPWA वाले में बताया हुआ है, MSO वाले में भी आएगा, मैं बता देना चाहता हूँ, ये फॉर्म 6 के साथ में होता है, समझे, ये ट्रेजरी का सर्टिफिकेट है, फॉर्म 6 वो है जो आप अपने कैशबुक के हिसाब से बनाते हैं, समझे, कि हमने इतना पैसा रेमिट किया, पर ट्रेजरी ने उतना एक्नॉलेज किया कि नहीं, उसका सर्टिफिकेट देगा, कंसोलिडेटेड ट्रेजरी रिसीट, कंसोलिडेटेड ट्रेजरी इशू, इशू का मतलब होता है चेक, समझे। तो ये CTR के साथ में फॉर्म 51 यानी FA6 होना चाहिए। तो ये जो है आप लोग अगर ध्यान से नहीं पढ़ पाते तो आप लोग कभी नहीं इसका MCQ सही करते, समझे। ये CTR लिखा हुआ है, CTI मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में CTI होता है, क्योंकि CTR कभी अकेले ट्रेजरी इशू नहीं करती है, CTI साथ में इशू करती है। ये है कंसोलिडेटेड ट्रेजरी रिसीट, देखिए लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड ट्रेजरी रिसीट, पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, देखिए लिखा हुआ है ना, कंसोलिडेटेड ट्रेजरी रिसीट है ना, यही टर्म आपको MSO चैप्टर 9 में भी मिलेगा, आप वहां भी देखिएगा, समझे, तो वहां अनजान मत बन जाएगी कौन सी है, समझ गए।
उसके बाद मटेरियल पे जो पेमेंट किया है उसका भी जानकारी इसमें देना पड़ेगा। 289 सर्टिफिकेट के बारे में है, 290 भी सर्टिफिकेट के बारे में है, इसलिए इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, ऐसे एमसीक्यू को नहीं पूछा जाता है। 291 में आपका सर्टिफिकेट स्टोर का है, स्टोर के बारे में मैंने कल के वीडियो में बताया है कि सर्टिफिकेट क्या होगा, आपकी क्वांटिटी में सही है, क्वालिटी में सही है, और क्या सर्टिफिकेट होगा, इसलिए यहां तक इसको नहीं पढ़ा जाना चाहिए। मतलब पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गंभीरता से नहीं पढ़ा जाना चाहिए। 292 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 292 पढ़िए। For a special reason, the divisional officer may authorize a few days delay in submission of accounts, but if they are not dispatched on or before the 10th of the following month, the reason for delay must be intimated invariably on that date. इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब ये है कि आपको अकाउंट जमा करना है 5 तक। कहाँ लिखा हुआ है? 288 में, है ना? 292 में लिखा हुआ है कि अगर आपने 10 तक अकाउंट जमा नहीं किया तो कारण मत लाइए, समझे? और ये होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये होता नहीं। अगर ये हो जाता तो लोग सुधर जाते और 100% अकाउंट भेजते, समझे? 292 लिखता है कि 10 तक अकाउंट नहीं भेजा तो रीजन दो। इधर से मेमो हो गया, समझे कि नहीं? समझ रहे हैं? हेलो, सबऑर्डिनेट्स को देता है कि डिविजनल ऑफिसर? ना, एजी को, ठीक है? If they are not dispatched on a before 10th following month, the reason for delay must be intimated invariably on that date. तो किसको इंटीमेट करेगा? एजी को, समझे? बोलिए। डिविजनल ऑफिसर में ऑथराइज है फी डेज डिले, ये ऑथराइज खुद कर रहे हैं ना? देखिए, फॉर स्पेशल रीजन है ना जी, समझे? स्पेशल रीजन में आपका डिले हो सकता है ना, समझे कि नहीं? पर सवाल है कि अगर स्पेशल रीजन है तो रीजन बताइएगा ना जी, कि नहीं बताइएगा? आप हैबिचुअल डिले नहीं ना कर सकते हैं, वही कह रहा है। हाँ, For special reason, the divisional officer may authorize a few days delay in the submission of the accounts. वही तो है, सिंपल। चलिए, 293 हमने देख लिया है, 294 भी देख लिया है, 295 हमने कल इसको डिस्कस किया था, फिर बता देता हूं कि जैसे डिवीजन में होता है कि अगर डिविजनल ऑफिसर मौजूद ना हो, अगर वो टूर पे हो, इफ डीओ ऑन टूर, डिविजनल ऑफिसर ऑन टूर, समझे कि नहीं? डीओ अगर टूर पे हो तो अकाउंट वहां पे डिविजनल अकाउंटेंट साइन करके भेजता था, और वहां से जब वो डिविजनल ऑफिसर टूर से वापस आता है तब वो फॉर्म 84 में अकाउंट की कॉपी भेजता है एक सर्टिफिकेट के साथ में कि डिविजनल अकाउंटेंट ने मेरे एब्सेंस में जो भी अकाउंट भेजा है फॉर्म 83 में उसको मैं सर्टिफाई करता हूँ, ठीक है? और जब डिविजनल ऑफिसर ऐसा कोई सर्टिफिकेट हमें देगा, एजी को देगा, तभी जाकर उसके अकाउंट्स को हम प्रोसेस करते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफिस में क्योंकि डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्टिंग नहीं होती है, डिविजनल ऑफिसर अगर टूर पे है तो ये ऐसा ही काम हेड क्लर्क करता है। कौन करता है? हेड क्लर्क। समझे? हाँ, इसमें ऐसा कोई आपत वाला बात नहीं है, आपको नहीं समझ में आएगा। 296 बहुत सिंपल है, लास्ट बच गया 297, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पारा, और इससे आपको इस साल एमसीक्यू पूछेगा, दैट आई प्रॉमिस यू। 297 पढ़िए और इस एमसीक्यू को बनाइए। द मंथली एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एंड डिसबर्सल लेजर मे बी सबमिटेड टू द अकाउंटेंट जनरल थ्रू द कंजर्वेटर और अदर सुपीरियर ऑफिसर इफ सो डिजायर्ड बाय द गवर्नमेंट To ensure the control of the letter over the adjustment of the outstanding balance, but that officer should, within 10 days of the receipt of the abstract in his office, pass them on to the accountant general. बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है कि जो FA8 है, समझे? यह abstract of contractor and disbursers ledger, ये एक तरह का advance है ना जी? ये क्या है?
एडवांस है कॉन्ट्रैक्टर को डिसीजन। तो ये एडवांस जो है ना ये आपको हर हाल में भेजा जाना चाहिए हायर अथॉरिटी के द्वारा। तो डीएफओ का हायर अथॉरिटी कौन है? कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर है ना। तो कंजर्वेटर को हर हाल में पता चलना चाहिए कि किसके पास में कितना है, लेकिन ये भी नहीं फॉलो होता है। ये भी अगर फॉलो होता ना तो आराम से वसूल कर लिया जाता, समझे। इसको फॉलो किया जाना चाहिए कि कंजर्वेटर को FA8 हर हाल में भेजा जाना चाहिए कि 12 महीने से ज्यादा हो गया जी सर, देखिए सर, ध्यान दीजिए सर, वसूल कीजिए सर, कुछ ऑर्डर कीजिए सर, समझे। और जब कंजर्वेटर को ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड डिसबर्सर्स लेजर मिल जाए, समझे, तो 10 दिन के अंदर 10 डेज के बाद में इसको एजी को भेज देना चाहिए। ये लिखता है जी। हेलो सर, ये तो ऑन गवर्नमेंट डिजायरेशन है ना सर, कंपलसरी नहीं है ना। माने, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कंपलसरी करे तो कितना अच्छा हो, है ना। ये बात सही है, ऑन गवर्नमेंट डिजायरेशन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि आपका एमसीक्यू पूछेगा तो आपको एमसीक्यू नहीं जानना है जी, बिल्कुल सही आपने माइंड किया है, ऑन गवर्नमेंट डिजायर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द फॉरेस्ट अकाउंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू वेरी मच। अब आप लोगों को कुछ, एक मिनट, ये तो कट गया ना, कैसे कटा, ठीक है, चलिए। Thank you for listening to me and watching my videos. Thank you very much.